अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा तो यार लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में बात की थी ठीक है नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चन थे जो हमने किए थे और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर पैटर्न के बारे में ठीक है तो पैटर्न से क्या होता है यार पैटर्न से आपके जो नेस्ट जो नेस्टेड फॉर लूप्स के होते हैं वो काफी ज्यादा क्लियर होते हैं ठीक है तो काफी सारे जो पैटर्न जो हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे जाते जाते यार लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था एक असाइनमेंट ठीक है कि आपको ट्वेंटी का टेबल लिखना है वन से लेकर ट्वेंटी का और एक साथ प्रिंट होना चाहिए ठीक है तो वो कुछ इस टाइप का था कि 1 से लेकर ट्वेंटी आपको प्रिंट कर रहे हैं और आपको कैसे प्रिंट करना है नेस्टेड फॉर लूप्स की हेल्प से ठीक है थीके? तो देखते हैं कैसे होगा ये कोड में तो ये पुराना वाला कोड है नेस्टेड फॉर लूप्स का तो आपको याद होगा यार एक बार मैंने आपको आपको कराया था कोड कि टेबल प्रिंट करना था ठीक है किसी भी नंबर का टेबल ऑफ करके आपका एक वेरिएबल था उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल पास करते हो जो भी वैल्यू उस वैल्यू का आपको टेबल प्रिंट हो जाता है ठीक है एक बार उस कोड को ढूंढ लेते हैं एक बार वो ये कोड है ठीक है तो इस कोड को मैं कॉपी करने वाला हूँ इसी कोड को यूज़ करके आज हम नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर वन से लेकर ट्वेंटी तक का एक साथ टेबल प्रिंट करने वाले हैं तो देखते हैं ये वाला जो पुराना वाला कोड है ये कैसे काम में आने वाला है तो मैंने इस कोड को कॉपी किया पुराने वाले कोड को और नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर ऐसा करता है नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर एक नई क्लास मानते हैं न्यू क्लास टेबल टेबल फ्रॉम 1 टू 20। इसके अंदर पब्लिक void main तो ये आपका मेन मेथड बन गया इसके अंदर पुराना वाला जो कोड था उसको पेस्ट कर देते हैं और इन तीनों लाइनों को हम अनकमेंट कर देते हैं तो कमांड स्लैश ठीक है तो ये जो आपका पुराना वाला कोड है यहाँ पे टेबल ऑफ करके 23 है तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये 23 का टेबल जो है वो प्रिंट कर देना चाहिए इसको तो यहाँ पर 23 का टेबल आपको ये प्रिंट कर रहा है ठीक है काफ़ी अच्छी बात है यहाँ से एलन हटा देते हैं और स्पेस दे देते हैं तो आपका एक लाइन में प्रिंट होगा और ट्वेंटी थ्री का टेबल अब आपका एक लाइन में प्रिंट हो रहा है अब हम चाहते हैं वन से लेकर ट्वेंटी तक का पूरा का पूरा जो टेबल का जो एक पूरा रो एंड कॉलम का जो मैट्रिक्स बनता है वो हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले एक जो ये लूप बनाया हुआ है उसके ऊपर एक लूप बनाएंगे और हम क्या चाहते हैं कि जो अंदर वाला लूप है ये बाहर वाले लूप के अंदर जितना नंबर होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स अंदर वाला लूप चले ठीक है तो हम चाहते हैं वन से लेकर ट्वेंटी तक का टेबल प्रिंट करना तो हम चाहते हैं जो अंदर वाला जो लूप है वो वन से लेकर ट्वेंटी तक के लिए रिपीट हो अब ठीक है तो जो बाहर वाला एक रूप लूप बनाते हैं हम तो फोर इंट जे इक्वल्स टू वन जे लेस equals टू ट्वेंटी जे प्लस प्लस ठीक है और ये यह यहाँ से हटाया इसके नीचे लगाया और टैब तो अब क्या होगा अब जो आपका जो अंदर वाला लूप है जो आपका 23 का टेबल प्रिंट कर रहा है ये आपका लूप ट्वेंटी टाइम्स रिपीट होगा ठीक है और हम क्या जाते हैं यार कि हर लाइन के बाद हर बार एक नई लाइन हो जाए ठीक है हर बार एक नई लाइन में चला जाए तो उसके लिए हम एक सिंपल एक सिस आउट कर देंगे सिस आउट कंट्रोल स्पेस तो इससे क्या होगा हर बार एक ट्वेंटी थ्री का टेबल प्रिंट होगा और एक नई लाइन आ जाएगी फिर ट्वेंटी थ्री का टेबल प्रिंट होगा एक नई लाइन आ जाएगी एक वो रन करते हैं तो जैसे ये, ये लूप चलेगा तो ये ट्वेंटी टाइम्स आपका ट्वेंटी थ्री का टेबल प्रिंट हो गया ठीक है लेकिन हम क्या जाते हैं वन से लेकर मतलब वन से लेकर ट्वेंटी तक के टेबल बने ठीक है सिर्फ ट्वेंटी थ्री का टेबल ना बने वन से लेकर ट्वेंटी तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका टेबल बने ठीक है तो यहां पे एक टेबल ऑफ करके एक वेरिएबल बना रखा है मैंने ठीक है जिसके अंदर मैंने ट्वेंटी थ्री पास कर रखा है इसके अंदर हम क्या करेंगे ट्वेंटी थ्री ना पास करके जे पास कर देंगे ठीक है तो जे जब वन होगा तो टेबल ऑफ होगा वन तो वन का टेबल प्रिंट होगा जब जे टू हो जाएगा तो टू का टेबल प्रिंट होगा जब थ्री होगा तो थ्री का टेबल प्रिंट होगा ठीक है समझ में आ गया ट्वेंटी तक जाते जाते ट्वेंटी तक का टेबल प्रिंट हो जाएगा थीका? तो सिंपल सा कोड था पुराने वाले कोड में ज्यादा चेंज करना नहीं था मैं इसको रन करते हैं तो यहां पे आपका वन से लेकर ट्वेंटी तक का टेबल इसने यहां पे प्रिंट कर दिया ठीक है थोड़ा स्पेसिस का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहां पे टू लेंथ के हैं बाकी आपका टेबल यहां पे प्रिंट हो गया तो ये यार आपके वन से लेकर ट्वेंटी तक के टेबल हो गए ठीक है तो इसके साथ ही आज अपने लेक्चर में हम मूव करते हैं तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पैटर्न के बारे में ठीक है तो पैटर्न से यार आपको क्या फायदा होता है जो आपने जो नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर जितने भी आपके कंसेप्ट होते हैं वो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न्स तो पैटर्न्स में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं जिसमें आपके नेस्टिंग लगती है लूप्स के अंदर और उससे क्या होता है जो आपको थिंकिंग एबिलिटी होती है कि आपको नेस्टिंग कैसे लगानी है कैसे आपके जो इंडेक्स होंगे आई और जी है वो कैसे वेरी करेंगे वो उन सबकी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ठीक है तो सबसे पहले एक सिंपल से पैटर्न से स्टार्ट करते हैं तो ये आपको पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे एन बाय एन का एक बॉक्स है जिसके अंदर स्टार प्रिंट करना है ठीक है ये आपके स्टार्स हैं यहाँ पे एक्स लिखा हुआ बट आप इनको स्टार एज्यूम कर सकते हो तो आपको एन बाय एन का एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आपके स्टार प्रिंट होंगे तो सिंपल सा यार ये प्रोग्राम आपका बेसिकली एक लूप है जो ये जो रो है इसको रिपीट कर रहा है बार बार देख रहे हो ये रो आपने एक पहले एक लूप से बनाई और आप इस रो को रिपीट कर रहे हो यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी तो आपने एक रो जो है वो अपने एक फॉर लूप से बनाई और उसी फॉर लूप को आपने रिपीट कर दिया तो रिपीट करने का काम किस में होता है नेस्टेड फॉर लूप के अंदर तो एक ये छोटा सा जो पैटर्न है इससे शुरुआत करते हैं और फिर काफी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होंगे पैटर्न में वो देखते हैं ठीक है तो मैं यहाँ फॉर फॉरलूप के अंदर आया और इसके अंदर एक न्यू क्लास बना लेते हैं पैटर्न वन ठीक है तो ये जितने भी पैटर्नस होंगे इसके अंदर जो आपका जो एन जो आपका साइज ऑफ़ पैटर्न है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये वन टू थ्री फोर ये फोर साइज का पैटर्न है ये भी फोर साइज का पैटर्न है ये जो एन है वो आप हमेशा यूजर से लोगे ठीक है तो आप जितना मर्जी बड़ा आप पैटर्न बना सकते हो अगर आप छोटे पैटर्न के लिए आपका जो लूप है वो सही चल रहा है तो बड़े पैटर्न के लिए भी आपका जो लूप होगा वो सही चलेगा तो हम क्या करेंगे स्कैनर से यूजर से इनपुट ले लेंगे एन तो स्कैनर एस सी कोस टू न्यू और इसको इंपोर्ट करा लेते हैं तो ये मैंने गलत जगह से इंपोर्ट करा लिया इसको हम कराते हैं जावा डॉट से तो यार काफ़ी बच्चों को डाउट्स आते हैं भैया ये स्कैनर कैसे काम करता है ये आपका पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं, ये एक्चुअली होता क्या है तो यार ये जब हम अपने मूव करेंगे अपनी वीडियो सीरीज़ के साथ जब हम ऊपस के बारे में बात करेंगे जब फंक्शंस के बारे में बात करेंगे क्लासेस के बारे में बात करेंगे तब आपको एकदम क्लियर होगा कि यहाँ पे हर एक कीवर्ड का मतलब क्या है ठीक है अभी आपको बस स्टिक करना है इस कोड के साथ ठीक है तो आपको बेसिकली बस ये लाइन जो है वो आपको रिपीट करनी है बार बार लेकिन जब हम मूव करेंगे जब हम इसमें ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे तब ये सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको एक एक कीवर्ड का मतलब आपको वहाँ पे बताया जाएगा तो हम एक फिलहाल के लिए एक एन इनपुट ले लेता Int तो है, ले है. तो है? है, है इस रो को प्रिंट कर रहा है और वो लूप आपका रिपीट हो रहा है ठीक है तो पहला वाला लूप क्या कर रहा है एन स्टार्स प्रिंट कर रहा है तो अगर एन की वैल्यू फोर है तो फोर स्टार्स प्रिंट कर रहा है लेकिन क्या सिर्फ स्टार प्रिंट कर रहा है नहीं बीच में स्पेसिस भी प्रिंट कर रहा है देख रहे हो यहाँ पे गैप है तो आपको क्या करना है ये गैप्स भी प्रिंट कराने हैं ठीक है यहाँ भी एक गैप आएगा तो आप क्या करोगे स्टार के साथ साथ एक गैप मतलब एक स्पेस भी प्रिंट कराओगे तो स्टार स्पेस स्टार स्पेस तो आप स्टार और स्पेस को हमेशा साथ में रखोगे तो आपका स्टार और स्पेस का जो होगा वो हमेशा कॉम्बो बन के चलेगा स्टार और स्पेस आप हमेशा साथ में प्रिंट करोगे ठीक है तो जितने भी आज जो एग्जांपल्स होने वाले हैं उसके अंदर यही होने वाला है स्टार और स्पेस जो होंगे वो साथ में होंगे तो सबसे पहले जो अंदर वाला लूप है जो रिपीट होने वाला है उस लूप को बनाते हैं तो उस लूप में क्या हो रहा है सिंपली एन टाइम्स स्टार स्पेस प्रिंट हो रहा है तो ये वाला लूप बनाते हैं और आपका सिंपली यहां पे एक स्टार स्पेस प्रिंट हो रहा है ठीक है अगर हम इसे रन करते हैं तो यहां पे सबसे पहले एन मांगेगा सपोज मैं एन पांच दे रहा हूं

तो आपकी रोज होगी वो भी एन टाइम्स रिपीट होंगी तो ये फोर जो आपने बनाए हैं फोर स्टार्स ये फोर टाइम रिपीट हो रहे हैं देख लो वन रो टू रो थर्ड रो और फोर्थ रो तो हम इस लूप को अंदर वाले लूप को फोर टाइम रिपीट करेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं यार नेस्टिंग करेंगे हम फॉर इंट जे इक्वल्स टू वन जे लेस देन इक्वल्स टू एन जे प्लस प्लस और यहाँ थोड़े से इंडेंट कर देते हैं तो अब क्या आपका जो रिजल्टेड आउटपुट है वो आ जाएगा नहीं अभी भी आपका रिजल्टेड आउटपुट नहीं आएगा देखते हैं क्या आएगा अभी तो अगर मैं सपोज एन केिक्स नहीं काफी सारे स्टार्स प्रिंट होंगे वो भी सेम लाइन में तो हम क्या जाते हैं एक रो प्रिंट होने के बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हो ठीक है हम न्यू लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहे हैं तो जैसे ही एक पूरी की पूरी रो प्रिंट हो जाती है मतलब एक फॉर फॉरलूप खत्म हो जाता है उसके बाद हम नीचे एक लाइन भी जाते हैं तो हम एक नीचे हमेशा लाइन भी रखे गए हैं तो लाइन क्या होगी गया आपकी रोज को सेपरेट करेगी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट तो अब आपका लूप जो है वो सही से काम करना चाहिए सपोज मैंने यहां पे सेवन रखा तो यहां पे सेवन बाय सेवन का एक बॉक्स जो है वो प्रिंट हो गया तो आप इसमें एन की वैल्यू कुछ भी रखोगे वो उतने बाय उतने का एक बॉक्स बना देगा ठीक है आप जितना मर्जी आप इसको बड़ा कर सकते हो सपोज मैं यहां पे रखता हूं ट्वेंटी तो इसने ट्वेंटी बाय ट्वेंटी का एक बॉक्स बना दिया यहाँ पर देख रहे हो तो ये आपका एक नॉर्मल छोटा सा पैटर्न था और अब हम अगली बात करने वाले हैं इस पैटर्न के बारे में देख लो ये जो पैटर्न है तो इसमें क्या है आपका एक ट्राइंगल सा बन रहा है है देख फर्स्ट रो के अंदर एक स्टार है, दूसरी रो के अंदर दो स्टार है थर्ड रो के अंदर तीन स्टार है और फोर्थ रो के अंदर फोर स्टार्स है इसलिए जितनी भी इसमें अगर आई रो होगी कोई सी कोई भी आई रो होगी उसके अंदर आई स्टार्स हैं और सिर्फ स्टार्स नहीं आपके स्टार्स के साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है देखे स्टार के साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है हर स्टार के बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है तो बेसिकली अगर आई रो है तो उसके अंदर आई स्टार्स हैं तो अगर ऐसा एक प्रोग्राम आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे अब हम देखते हैं तो मैं क्या करने वाला हूँ फॉर लूप्स के अंदर ही एक दूसरा क्लास बना लेते हैं पैटर्न टू कह देते हैं इसे तो इसके अंदर भी जो एन वो हम यूजर से ले रहे हैं तो मैं इस पुराने वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ

फोर स्टार्स तो बाहर वाला लूप बताएगा कि अंदर वाले लूप को कितनी बार रिपीट करना है ठीक है तो इस बार हम बाहर वाले लूप से स्टार्ट करते हैं यार तो बाहर वाला लूप आपको आपको बताएगा I two, से लेकर I I two, तक चलना है आपको. तो ये क्या करेगा जो आपका एन टाइम्स रिपीट कर रहा है ये तो ये बाहर वाला लूप बन गया आपका जो आपको अंदर वाले लूप को एंड टाइम्स रिपीट करेगा आप अंदर वाला लूप लिखते हैं तो एक नया वेरिएबल बनाएंगे जे और ये क्या कर रहा है ये लूप कितनी बार चल रहा है तो आप देख रहे हो पहली बारी में जब i की वैल्यू वन है उस बारी में ये वन टाइम चल रहा है जब i की वैल्यू टू है उस बारी में टू टाइम चल रहा है ऐसी i की वैल्यू जितनी भी होगी ये उतनी टाइम चल रहा है तो i की वैल्यू के टाइम्स तक ही चल रहा है ये तो j की वैल्यू आपकी स्टार्ट तो वन से होगी लेकिन कब तक चलेगी j की वैल्यू जब तक j की वैल्यू i या उससे छोटी है ठीक है i टाइम्स चलेगी j की वैल्यू तो आपका जो अंदर वाला लूप है वो हमेशा i टाइम्स चलेगा समझ में आ गया आपको अगर i की वैल्यू वन है मतलब जो अगर पहली वाली रो के अंदर है तो आपका जो अंदर वाला लूप है वो सिर्फ एक बार चल रहा है लेकिन जैसे आपकी आई की वैल्यू टू होती है आप जैसे सेकंड लूप में आते हो तो आपका जो अंदर वाला लूप है वो आई की वैल्यू टू है मतलब टू टाइम्स चलेगा ठीक है दो स्टार्स बनेंगे ऐसे जब वो आप थर्ड इटरेशन में आओगे लूप की तो आपके तीन स्टार बनेंगे ठीक है तो ऐसे आपका प्रोसीड होता रहेगा तो जो अंदर वाला लूप होगा वो वन से स्टार्ट होगा कब तक चलेगा जब तक लेस देन इक्वल्स टू आई है ठीक है ये समझ में आ गया जे प्लस प्लस और हमें प्रिंट क्या करना है इसमें हमेशा स्टार स्पेस ठीक है जैसे स्टार स्पेस पिछली बार प्रिंट किया था इस बार भी स्टार और स्पेस प्रिंट करना है स्टार और स्पेस का एक कॉम्बिनेशन वो आपको हमेशा प्रिंट करना है और ये प्रिंट करने के बाद आपको एक नीचे एक न्यू लाइन भी प्रिंट करनी है जिससे कि आप नई रो में आ जाओ तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस ठीक है इसको रन करते हैं तो एन की वैल्यू सपोज मैंने दे दी सिक्स ओके सो यहाँ पे फिर से मैं वही गलती कर रहा हूँ यहाँ पे एलन के बाद यहाँ पे एलन नहीं आएगा प्रिंट आएगा सिर्फ यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं आएगा प्रिंट मैं बार बार गलती कर रहा हूँ कि प्रिंट एलन करने से वो नई लाइन में चला जाता है लेकिन हमें प्रिंट नहीं करना होता प्रिंट मतलब प्रिंट एलन नहीं करना होता हमें प्रिंट करना होता है ठीक है तो प्रिंट एलन किया तो मैं देख रहा देखो यहाँ पे पहले वन स्टार फिर उसके बाद टू स्टार थ्री स्टार से हम ये नहीं चाहते हैं उसको रन करते हैं दोबारा इस बार सिक्स डालते हैं तो इस बार सही आउटपुट हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली एलन नहीं करना होता एलन से न्यू लाइन आ जाती है आपकी तो प्रिंट करना है तो यहाँ पे सिक्स के लिए देख रहे हो पहली रो में वन स्टार दूसरी रो में टू स्टार तीसरी रो में थ्री स्टार ऐसे ही सिक्स रो में सिक्स स्टार्स अगर आप इसको बड़ी वैल्यूज के रन के लिए रन करोगे तो तब भी आपका लूप चलेगा ट्वेंटी के लिए रन करते हैं तो आपका एक ट्राइंगल बन गया ट्वेंटी तक के लिए ठीक है तो इससे मिलता जुलता यार एक और एग्जाम्पल करते हैं तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो इससे मिलता जुलता है बट थोड़ा अलग है

वो कम होते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है जैसे जैसे आप आपका बाहर का लूप का जो आई है जो आपका बाहर का लूप का जो इंडेक्स है वो आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो आपके कम होते जा रहे हैं लेकिन क्या आप सिर्फ एक नई रो में आने के बाद जैसे आप न्यू लाइन में आते हो तो वैसे अगर आप स्टार प्रिंट करोगे तो स्टार जो प्रिंट होगा वो आपका यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे जो स्टार है वो यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं ठीक है समझ में आ रहा है जैसे आप यहाँ पे से न्यू लाइन में आओगे बेसिकली आप इस लाइन से जैसे आप न्यू लाइन में आओगे तो जो न्यू लाइन है वो करेक्टर यहां से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा तो अगर आप यहां पे स्टार नहीं लगाओगे तो स्टार जो होगा वो यहां पे यहीं से प्रिंट होने लग जाएगा ठीक है तो इसका मतलब आपको यहां पे स्टार लगाने पड़ेंगे और सॉरी यहां पे आपको स्पेसिस लगाने पड़ेंगे तो आप क्या कर रहे हो यहां पे ये यह दो स्पेस लगा दे रहे हो ठीक है एक तो ये वाला स्पेस और जो स्टार के नीचे स्पेस है ऐसे थर्ड लाइन में क्या कर रहे हो आप चार चारे लगा रहे हो और फोर्थ लाइन में क्या कर रहे हो आप ये सिक्स स्पेसिस लगा रहे हो ठीक है तो फर्स्ट लाइन में आपने जीरो स्पेसिस लगाए सेकेंड लाइन में आपने दो स्पेसिस लगाए थर्ड लाइन में आपने फोर four, और फोर्थ लाइन में आपने ये सिक्स स्पेसिस लगाए हैं ठीक है तो इस कोड को करते हैं देखते हैं ये लूप में कैसे बनेगा ठीक है तो सिंपल है यार इसके अंदर भी कुछ नहीं जो आपका जो एक्सटर्नल लूप है वो तो एंड टाइम से चलेगा वो आपको बताता है कितनी नंबर ऑफ रोज है तो ये तो आपका एन टाइम से चलने वाला है लेकिन जो आपका जो अंदर वाला लूप है वो पहले स्पेसिस प्रिंट करेगा उसके बाद स्टार्स प्रिंट करेगा ठीक है पहले स्पेसिस प्रिंट करेगा फिर स्टार्स प्रिंट करेगा तो ये देख लेते हैं कोड में कैसे चलने वाला है ठीक है तो एक नई क्लास बनाते हैं पैटर्न थ्री पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए हमें तो फिनिश उसके बाद स्वाट आते हैं तो ये मैंने स्कैनर इनपुट ले लिया इसके अंदर तो सबसे पहले जो आपका बाहर वाला लूप है वो तो आपका एन टाइम से चलने वाला है तो उसको हम लिख देते हैं पहले ही तो फोर इंट आई टू वन आई लेस इकॉस टू एन आई प्लस प्लस ठीक है तो ये आपका बाहर वाला लूप हो गया अब आपको अंदर वाला लूप लिखना है तो अंदर वाले लूप में आप क्या देख रहे हो पहले आप स्पेसिस प्रिंट कर रहे हो उसके बाद आप स्टार्स प्रिंट कर रहे हो ठीक है तो फर्स्ट रो में जीरो स्पेसिज हैं सेकेंड रो में टू स्पेसिज हैं थर्ड रो में फोर्थ और फोर्थ रो में सिक्स स्पेसिज हैं तो इसके अंदर अगर आपको एक मैंने कह दिया कि जनरल बनाते हैं कि अगर आई रो है तो कितने स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा इसके अंदर टू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस वन ठीक है तो इसका मतलब क्या है अगर आई की वैल्यू कुछ भी होगी तो टू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस वन उतने तो इसके अंदर स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले आपके टू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस वन टाइम्स आपके स्पेसिस प्रिंट करते हैं ठीक है तो फॉर इंट जेवल्स टू वन j less than equals to i minus 1 j plus plus तो यहां पे देख रहे हो मैं टू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस वन तक लूप नहीं चला रहा मैं आई माइनस वन तक लूप चला रहा हूं और मैं क्या करूंगा दो बार स्पेसिस प्रिंट करा लूंगा ठीक है तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि अगर मैं टू मल्टीप्लाई बाई आई माइनस वन तक प्रिंट कराऊंगा और एक एक करके स्पेस प्रिंट कराऊंगा उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ आई माइनस वन टाइम्स चला रहा हूँ और एक, एक साथ दो स्पेसिस प्रिंट करा रहा हूँ जैसे हम एक्स और स्पेस का आप पेयर रख रहे हो वैसे आप यहाँ पे स्पेसिस का भी पेयर रख सकते हो ठीक है तो आप यहाँ पर दो स्पेस आप एक साथ प्रिंट करा सकते हो तो मैं आउट कंट्रोल स्पेस और आप यहाँ पे दो स्पेस एक साथ टू स्पेसिस आप प्रिंट करा लोगे तो अगर अभी से आप फिलहाल रन करोगे तो अभी ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं आपके बेसिकली हर लाइन में कुछ स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं ठीक है तो ये आपका स्पेसिस वाली बात होगी अब हमें देखना है कि इसके अंदर अब स्पेसिस के बाद हर लाइन के अंदर आपको एक और चीज़ यहाँ पे पहले ही कर देते हैं से, ठीक प्रिंट ऑल नहीं आएगा प्रिंट आएगा ठीक है उसके बाद हम क्या जाते हैं हर लाइन में स्पेसिस के बाद आपके कुछ स्टार्स भी प्रिंट हो रहे हैं तो स्टार्स का क्या काउंट का है तो आप देखो कि जो आपका फर्स्ट रो है उसके अंदर फोर स्टार्स हैं सेकंड रो के अंदर आपके थ्री स्टार्स हैं थर्ड रो के अंदर टू और आपके फोर्थ रो में वन स्टार हैं तो अगर आपको मैं बोलूं आयथ रो के लिए किसी भी आई रो के आयथ रो के लिए आपके कितने कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं आई एथ रो के लिए तो आप देखोगे कि एन माइनस आई प्लस वन ठीक है इतने आपके स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं आप देख लो आपकी अगर आई इक्वल्स टू वन है तो आपकी आई इक्व टू वन है जब फोर रो फोर के लिए एन इक्व टू फोर के लिए तो आपके क्या हो रहा है फोर माइनस वन प्लस वन आपका फोर हो रहा है ऐसे आप देख लो थर्ड रो के लिए देख लो तो आपका एन तो फोर ही है वहां भी फोर माइनस में थ्री प्लस वन ठीक है फोर माइनस थ्री इज वन प्लस आपका टू स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं ये देख रहे हो तो बेसिकली आपको एक जनरल फॉर्मला निकालना होता है यहां पे आपने जनरल फॉर्मला निकाला कि आई एथ रो के लिए कितने स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं उतने टाइम से आप लूप चलाओगे ऐसे आप यहाँ पे देख लोगे आई एथ रो के लिए कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं और उतने टाइम आप लूप चलाओगे ठीक है सिंपल सा फंडा है तो यहाँ पे देखने पता चलेगा कि एन माइनस आई प्लस वन टाइम्स आपका जो है स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं तो आप स्टार्स प्रिंट करोगे स्पेसिस प्रिंट करने के बाद तो फॉर एंड जे अब आप जे को दोबारा ले सकते हो क्यों क्योंकि जो जो ये ये वाला वाला जे जे था ये वाला जो जे था इसका स्कोप जो है वो इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक था इसी फॉर लूप के अंदर था ठीक है तो ये वाला जो जे है वो अब खत्म हो चुका है इस स्कोप से बाहर आ चुका है तो आप चाहो तो इसी जे को आप दोबारा से वेरिएबल बना सकते हो क्योंकि वो जो पुराना वाला जे था वो अब खत्म हो चुका है ठीक है उसका स्कोप चला गया आप चाहते हो यहाँ पे कोई और वेरिएबल बना सकते हो के बना सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे जे ले रहा हूँ बस आपको ये बताने के लिए कि आपको जब स्कोप खत्म हो जाता है किसी वेरिएबल का तो आप उसके बाद उसी आ, सेम नाम का वेरिएबल बना सकते हो तो आपका वन से स्टार्ट होगा ये भी और कितनी बार चलेगा जे लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस आई प्लस वन ठीक है जे प्लस प्लस और आपको प्रिंट करना है एल हटा देते हैं आपको प्रिंट करना है स्टार स्पेस ठीक है स्टार और स्पेस का पेयर प्रिंट करना है और जैसे ही आपकी पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है आप क्या चाहते हो एक न्यू लाइन प्रिंट करना चाहते हो ठीक है तो उसके लिए हम एक सिंपल डमी से सॉर्ट प्रिंट कर देंगे ठीक है इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो इससे एक नई लाइन प्रिंट हो जाएगी इसे रन करके देखते हैं किसी भी एन के लिए तो एन की वैल्यू अगर सपोज सिक्स है तो सिक्स के लिए आपका ये हो रहा है आप देख सकते हो पहली रो के अंदर क्या हो रहा है पहली रो के अंदर आपके सिक्स स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं दूसरी रो के अंदर आपके फाइव स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं लेकिन एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है बेसिकली दो स्पेस प्रिंट हो रहे हैं लेकिन हम क्योंकि लूप को आई माइनस वन टाइम्स चला रहे हैं और हर बार आपके दो स्टार्स प्रिंट करा दो स्पेसिस प्रिंट करा रहे हैं इसलिए आपको टू मल्टीप्लाई बाई आई माइनस वन टाइम्स चलाने की जरूरत नहीं आप आई माइनस वन टाइम्स चलाओ और स्पेसिस को टू टाइम्स लिख दो ठीक है बात वही हो जाएगी तो आप स्पेसिस को दो टू टाइम्स लिख दो और आप ये कर सकते हो आप एक और चीज़ कर सकते हो आप चाहो तो ये जो स्पेसिस हैं आप हटा सकते हो तो दोनों में से आप ये स्पेसिस हटा दो यहाँ पहले इधर से भी आप स्पेस हटा दो और यहाँ से भी आप स्पेस हटा दो तो अब क्या होगा जो ये जो पैटर्न बन रहा है ये खुला खुला जो पैटर्न बन रहा है अब ये थोड़ा बिच्छा बिच्छा सा बनेगा ठीक है सर रन करते हैं सिक्स के लिए ठीक है तो आपका बिना स्पेसिस के आपका ये प्रिंट हो गया ठीक है ये थोड़ा अब जैसा भी भैया गंदा सा लग रहा है तो हम यहाँ पे हमेशा स्टार्स स्पेसिस प्रिंट करते हैं ठीक है तो दो स्पेस यहाँ पे और स्टार के बाद स्पेस अभी से रन करते हैं तो लेट्स से टेन के लिए रन करते हैं तो टेन के लिए आपका ये नीट एंड क्लीन आपका एक ट्राइंगल जो है वो बन चुका है ठीक है तो ये वाला जो ट्राइंगल था सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल जो था आपका ये थर्ड एग्जाम्पल जो वो सेकेंड एग्जाम्पल से थोड़ा अलग था मतलब देखने में लग रहा था थोड़ा अलग है लेकिन कंसेप्ट वाइज काफी ज्यादा आपका ये अच्छा था ठीक है इससे आपको काफ़ी ज्यादा पता होगा कि कितनी टाइम्स आपको अंदर वाला लूप चलाना होता है आप अंदर वाले लूप के अंदर आप दो बार लूप लगा सकते हो तो देख रहे हो ये वाला लूप एक बार चला और उसके अंदर आपने दो लूप्स लिखे हैं एक बार स्पेस प्रिंट करने के लिए और एक बार स्टार्स प्रिंट करने के लिए ठीक है तो यार पैटर्न्स में हमने काफी क्वेश्चंस कर लिया आज ये तीन क्वेश्चंस कर लिए बेसिकली ये वाला जो पहला क्वेश्चन था ये थोड़ा डमी टाइप का क्वेश्चन था ये आपको बेसिकली नेस्टेड फॉर लूप्स की एक फील दे रहा था कि पैटर्न्स क्या होते हैं कैसे प्रिंट करने होते हैं सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इजी था बट जो थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था अगर जो बिगिनर्स होंगे उनको थोड़ा ट्रिकी लगा होगा तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो आपके आज की वीडियो में आपके जो ए वाला पैटर्न है ठीक है हमने ये ए वाला पैटर्न और ये सी वाला पैटर्न जो है वो कवर कर लिया है बच्चे ये आपको जो द, बी वाला पैटर्न और जो डी वाला पैटर्न है ये आप एज एन असाइनमेंट आप ले सकते हो ठीक है तो आप बी और डी को आप असाइनमेंट ले सकते हो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो बी वाले में क्या हो रहा है आप एन यूजर से ले रहे हो और आप एन स्टार प्रिंट करा रहे हो पहली रो में उसके बाद अगली रो में आप एन माइनस वन स्टार्स प्रिंट करा रहे हो फिर आप एन माइनस टू स्टार्स प्रिंट करा रहे हो ऐसे करते करते आप वन स्टार प्रिंट करा रहे हो ठीक है तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कोई स्पेसिस का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे क्योंकि स्पेसिस आप बाद में ना भी लगाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता तो आप बेसिकली पे स्टार्स जो है पहले N, फिर N -1 ये प्रिंट करा रहे हो तो ये वाला जो B वाला क्वेश्चन है ये आपका इस वाले क्वेश्चन के जैसे ही होने वाला है यहाँ पे आप स्पेसिस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन जो आपका डी वाला क्वेश्चन है आप ये जो देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है पहले आप स्पेसिस प्रिंट करा रहे हो उसके बाद स्टार प्रिंट करा रहे हो और इसकी अलग बात क्या है कि इसमें पहली रो के अंदर वन स्टार फिर दूसरी रो में टू स्टार्स उसके बाद लास्ट रो में आपके एन स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं तो आप एन यूजर से लोगे और आप ऐसा एक पैटर्न बनाओगे ठीक है तो जो बी और जो डी हो गया आपका ये आपका असाइनमेंट हो गया इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है यार तो आज पैटर्न के बारे में काफी बात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे अच्छे पैटर्न के बारे में बात करेंगे ठीक है तो तब तक के लिए चलते हैं यार सिया हैवे अ गुड डे बाय